जप्पा, इसको बोलते हैं जप्पा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है जप्पा। ये देखिए एल्बो के बराबर है वो, देखिए वो चिड़िया। गाइस वो हमारी मछली को लेके चला गया अरे लड़का। ये देखिए अंदर चला गया ये। नहीं तो हम जिम में जाके नहीं बनाते जितना इन्होंने यहाँ पे मछलियाँ पकड़ पकड़ के बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हेलो गाइस, दिस इज जैन इमान एंड यू आर वाचिंग ऑल अवर बिजनेस। सो गाइस टुडे आई एम गोइंग टू शो यू वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग थिंग्स। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस। सो व्हाट आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम शोइंग टू यू? सो गाइस सस्पेंस में देखते हैं। सो गाइस टुडे आई एम शोइंग टू यू हाउ टू फिशिंग, आई एम शोइंग टू यू यूनिक स्टाइल ऑफ फिशिंग। सो गाइस ये देखिए आज हम मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं अपनी देसी और हिंदी भाषा में। सो ये देखिए मैं बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हमने जाना है 10-15 किलोमीटर का सफ़र करना है। ये देखिए गाइस आपको नीचे जो ये ग्राउंड आ रहा है नज़र, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो नदी बह रही है, जूम करके बताता हूँ आपको। सो गाइस अगर हमने यहाँ से पैदल जाना है तो हमें लगेंगे कम से कम 4 किलोमीटर पैदल, बट हम गाड़ी लेके जाएंगे तो वहाँ से 15 किलोमीटर होगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस, लेट्स सी हमें कुछ मिलता भी है या खाली आते हैं। सो गाइस वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। सो ये देखिए अभी पुल है यहाँ पे, पानी भी आपको नज़र आ रहा होगा। सो देखते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे तो पहुँच गए, बट जो मेन डेस्टिनेशन है वो चीज़ होती है नहीं होती है। सो नेक्स्ट वॉच आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर हमने कांड करना है। ये गाइस ये पानी दिख रहा है, देखिए कितना तेज पानी है। सो अगर आपके साथ एक्सपर्ट ना हो तो आप प्लीज़ ऐसा करने की सोचे ना। ये देखिए मेरे पास एक्सपर्ट है मिस्टर पंकज कुमार। आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हो? 2 साल से। ये देखिए हमारे साथ एक्सपर्ट है और वो है 3 एक्सपर्ट वहाँ पे जिनके पास हमारा कुछ कांड वाला सामान है। ये गाइस ये देखिए अभी हम इस तरह से मछली पकड़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक वायर चली हुई है जो गाँव को है उसके साथ हम जोड़ेंगे। सो उसके साथ नीचे जो नदी बह रही है उसमें करंट लगाएंगे। सो उसके साथ जो मछलियाँ हैं देखते हैं आता है हमारे हाथ में कुछ या नहीं। सो गाइस वेरी रिस्की, प्लीज़ डोंट डू विदाउट एनी एक्सपीरियंस अंडर एक्सपीरियंस। सो जब तक आपके पास एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस नहीं है सुनने करिए। देखिए हमारे पास ये भी एक्सपर्ट है और ये भी जो पिछले ये देखिए 10-12 साल से ये कर रहे हैं, 3-4 साल से ये। सो प्लीज़ डोंट डू विदाउट एनी एक्सपीरियंस। सो ये गाइस देखिए अब ये डालने वाले हैं, ये इन्होंने वाइल्ड को अटैच किया है। एक्सपीरियंस्ड गाइस विदाउट एनी एक्सपीरियंस प्लीज डोंट डू दिस। गाइस हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे देखिए बकरियाँ और भेड़े जो है चल रही है। सो हमें जो वायर है वो हवा में लेनी पड़ रही, नहीं तो हम इसको जमीन पर रखते हैं क्योंकि अगर ये टच हुई तो जो हमें फिशेज है वो महंगी पड़ जाएगी। सो हमें थोड़ी सी दिक्कत करके पूरा ये देखिए ये वायर है ये यहाँ से जा रही है थोड़ा सा। मैं आपको इनके साथ साथ चल के दिखाता हूँ ये आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं और कैसे कैसे काम होता है। कितनी रिस्क पे ये, अगर यहाँ से जरा भी पैर फिसला दो कुछ भी हो सकता है। ये देखिए मेरे सर पे एकदम ऊपर है। सो आई थिंक ये देखिए गाइस ये लास्ट 3-4 ईयर से ये काम कर रहे हैं। सो इनको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे होगी। सो गाइस ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसको इलेक्ट्रिक थ्रू ही मछलियों को पकड़ेंगे। देखिए हमारा जो एक बंदा है वो यहाँ पे पहुँच गया है और जो एक दवाई मिलती है हम डबल तरीके से उसको पीछे से दवाई डालेंगे
और जैसे ही मछलियाँ पीछे थोड़ा बेहोश होकर आएंगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर से उनको करंट लगे, सो हम उसके बाद उनको पकड़ लेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सो गाइस अब मेरे को इसको थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने एक गलती की है, मैं पैंट और जूते डाल के आ गया हूँ और ये सारे एक्सपर्ट थे। सो ये तो अपना फुल तैयार होके आए हैं बट मेरे को इतना आइडिया नहीं था। सो ये देखिए गाइस, ये आई वांट टू, मेरे को लगता है कि मेरे को अपना यस ये आई कैन डू दिस यस। ये देखिए गाइस, ये जो है ये सर आप बता सकते हो कौन सी दवाई है ये? हाँ जी, ये क्या चीज़ है ये? ये दवाई है, ये देखिए इससे इनको जो है मदोशीशीस आ जाती है इनके अंदर और फिर वो बेसुध होकर अपने पास आ जाती है। अच्छा, सो गाइस ये देखिए इन दवाइयों को इन्होंने पूरा पीस के अलग कर लिया है। सो ये अब रेडी हो रहे हैं, बस वहाँ से इलेक्ट्रिक वायर आ रही है। गाइज प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये काम जब तक आपके साथ कोई एक्सपर्ट नहीं है तब तक ना करें, क्योंकि ये देखिए कितना खतरा, अगर पानी पड़ गया उसका खतरा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आप बह जाओगे, पता अगर करंट लगा उसका खतरा है। तो गाइज प्लीज़ तो बुलाऊ करने के लिए मैं भी आया हूँ तो सिर्फ उनके एक्सपीरियंस की बात है। ये देखिए ये नंगा हो गया लड़का, एक गांव के लड़के हैं ये, हिम्मत वाले हैं। उसके बाद अटैच करने देखिए कितना ये करना पड़ता है, ये एक वायर ये है और ये देखिए इनके जो सिक्स पैक एब्स हैं, एब्स दिखाइए अपने, ये इतने तो हम जिम में जाके नहीं बनाते जितना इन्होंने यहाँ पे मछलियाँ पकड़ पकड़ के बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बस ये दो आने की तैयारी है और ये पेट वाला बंदा। तो गाइस अभी मेन काम शुरू हुई, देखिए आपको चिंगारी आ रही होगी नज़र, ये काम लग रहा है। सो अभी हमने ये गाइस हमारा मेन काम शुरू हो गया, देखिए कितनी टफ जगह वो किया है। सो अभी हम देखते हैं कि कोई मछली आती भी है या नहीं, हमें ऐसे जाना पड़ेगा। ये पकड़ने के लिए दो बैठे हुए हैं, हमने यहाँ से लगाया हुआ है नीचे को। ये आई थिंक गाइज हमें आधा घंटा हो गया था, एक मछली आई थी बट वो पकड़ी नहीं गई। सो हम स्टिल वेट कर रहे हैं। अच्छी आई हो, जिंदगी आई और जिंदगी थी भाई, अच्छी आई जिंदगी है ना गाइज, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा हमें यहाँ एक घंटा होने को आ गया, अभी तक हम खाली हाथ बैठे हैं। ये एक और आई गाइस, बड़ी मशक्क़त के बाद अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। सो अब वहाँ जो मेन प्लेयर है वो नीचे जा रहे हैं। एक आइए आइए आई थिंक ये फर्स्ट अचीवमेंट हमारी, वो देखिए दिखा अभी सर एक घंटे के बाद ये हमें एक मिली है। सो कुछ चलो घंटे भर से उदास बैठे थे, एक मिली, थोड़ा सा जोश आया है अब से भी जोश के साथ। एक्सपीरियंस पर्सन है वो रेडी हो रहे हैं। सो इन्हें देख के मेरे को भी जोश आ गया। सो नाउ 20 पॉइंट रेडी फायर, सो आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग दिस। नाउ जब से 20 आया है प्रोग्रेस शुरू हो गई है, लेट्स सी ये नाउ ये वंस मोर। ओह भागनी नहीं चाहिए,
Yeah, guys. Once more. You know. Thanda pani. So, guys, now I just सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ. ये देखिए, ये पानी इतना ठंडा है गाइस, कोई हिसाब नहीं है. आपको मछली दिखाऊंगा, बस सिर्फ ओनली फॉर आई थिंक हमें कुछ करना चाहिए था. फिर इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस एंड अनएक्सपीरियंस. मैं एक्सपीरियंस को 2 मिनट पानी मिल रहा है. ये देखिए, ये लड़के आधे आधे घंटे से पानी में, सिर्फ 5 मिनट देख ले रहे हैं बाद में. बट जब एक बार जाते हैं तो मिनिमम 30 मिनट तक पानी में ही रहते हैं. सो हैट्स ऑफ गाइस. जैसे कि हमने लोकेशन चेंज की, यहाँ पे मछलियाँ तो मिल रही थी पर रिस्की था, पानी ज़्यादा था. देखिए, मैं पूरा गिर गया था, कपड़े कुपड़े खोलने पड़े, पूरी की जो होगी है. तो हमें यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बड़ी फिश भी मिली है ये. सो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, है ना. ये ही वेरी लक्की फॉर अस. जी, दिस बॉय इज वेरी लक्की फॉर अस. ये जब भी पानी में उतर रहा है कुछ ना कुछ लेके आ रहा है. बड़ी कब पकड़ोगे? शो योर एक्सपीरियंस ब्रो. गाइस, इनको ये मछली ढूंढने और मिलने रही है. ये देखिए, अब ऊपर से वो आ रहा लड़का. ये देखिए, अंदर चला गया ये शो. ये आखिरकार फतेह हासिल कर ली गाइस. वो हमारी मछली को लेके चला गया. ओ ये देखिए, ये एक लेगी वो हमारी. वो देखिए, वो चिड़िया. So guys, ये देखिए, आई थिंक ओहो मेरे, जब मैं गिरा था तो कैमरे में पानी चला गया है उस टाइम. तो अभी इसको पहले मैं चेक कर देता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ. सो गाइस, बड़ी मुश्किल के बाद इसको साफ वगैरह करके, देखिए अभी थोड़ा सा कैमरा वो हुआ है. मेरे को तो बड़ी मुश्किल आ रही थी गाइस. ये देखिए, अभी हमने थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा टफ पानी में गए हैं. तो ये देखिए कितनी बड़ी है फिश. ये आपको मैं इसके साथ अपना एल्बो के साथ दिखाता हूँ. ये देखिए, एल्बो के बराबर है. ये देखिए, हमने कोई थोड़ा सा टप हो रहा, हिल रही है ये. पंकज जी, ओ चलगी 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 चलगी, जल्दी जल्दी. ये ऐसे हमारा सफर वो हो जाएगा थोड़ा. ये छोड़ दी इसने गाइस. ये देखिए कैसे एक मछली के लिए, मछली के शिकारी शायद पकड़ के रहेंगे वो. बड़ा मुश्किल है ये. ये 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 भाई छूट गई. अब वो देखिए, वो लड़का वहाँ आगे गया है पकड़ने के लिए. थोड़ी बड़ी मछली है, दो अब देखते हैं गाइस. ये देखिए, हम 2-2.5 घंटे बस बिल्कुल निराश होकर घर जा रहे थे. बट फिर इस लड़के ने हमें दिखाई, बोलते एक जगह ट्राई करते हैं. तो अभी थोड़ा सा हमारे पास कुछ बना नहीं, तो हमारे पास बस वही 4-5 मछलियाँ थी 2.5-3 घंटे की. ये देखिए कहाँ, ये हमने वायर लगाई हुई है यहाँ पे. ये एक वायर लगा के यहाँ बैठा है, ये कि यहाँ पे इनको बता रहा है. और ये
हमारे पकने वाले और बीच बीच में मैं जा रहा हूँ पकने के लिए। देखिए गाइस अभी हम लोग उठ नीचे ये जैसा कि वायर लगा रहा लगता और यहाँ पे एक देखने वाला है और दो जो लड़के हैं वो वी चेंज आवर लोकेशन एंड लोकेशन चेंज करने का हमें फ़ायदा तो हुआ है। ये देखिए ये कम से कम उन्होंने वहाँ पे 1 किलोमीटर कर दिए सिर्फ एक ही जगह पे और देखिए जगह कितनी वो है। हमने यहाँ इतना टफ टफ जगह पर किया पर इतना कुछ नहीं बना बट वहाँ पे इतने आराम सी जगह में हमें कुछ प्रोग्रेस तो मिली। ये देखिए ये बस स्ट्रगल करना पड़ता है नॉर्मल चीज़ों के लिए। सो गाइस आप हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी बनी और हमारा जो स्ट्रगल वगैरह है वो कैसा रहा। सो अगर आप हमारी वीडियो को देखिए अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो नेक्स्ट टाइम हम नाइट आउट करेंगे विद नाइट विजन कैमरा के साथ जिसमें हम अपना जो जंगली मुर्गे वगैरह होते हैं उसका शिकार करेंगे। सो गाइस प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट को कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में ताकि हम नेक्स्ट भी आपके लिए ऐसा ही एफर्ट करते रहें। सो गाइस अभी मछली पकने का यही हुआ है कि इसमें देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन कितना कुछ होता है इसमें सो उसके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे बट अभी बस आप एक ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब आप सब्सक्राइब करते हो अपने वैल्यूएबल कमेंट देते हो तो हमें और जोश मिलता है कि हम और इनके लिए कुछ करें। अगर हम वहीं पे स्टिल रहते हैं तो फिर हमारे अंदर भी थोड़ा सा हो जाता है कि अगर रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा हो क्या पता कुछ कमी रहेगी। सो गाइस प्लीज़ अगर कोई कमी आए तो हमें कमियाँ बताएँ और अगर कुछ अच्छा करें तो हमें मोटिवेट करें सो हम नेक्स्ट उसमें वो करें बट हाँ प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जप्पा इसको बोलते हैं जप्पा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये होता है जप्पा ये
भाई अगे उठ के दीपे आता ना गाइस ये हमने कुछ मछली पकड़ी हुई है आई थिंक 3 से 4 किलो के बीच है ये थोड़ी सी साफ कर ली अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि साफ करना बड़ा ज़रूरी होता है बिना साफ किए वो नहीं था सो ये था आज का हमारा अगर आपको अच्छा लगा तो फिर से बताइए हम आप नेक्स्ट शिकार करेंगे गाइस अभी हम मछलियों की डिश तैयार कर रहे हैं वो भी देसी तरीके से ये देखिए ये हमारा हिसाब किताब तैयार हो रहा है ये सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं भी लगा है तो भी प्लीज सब्सक्राइब करें हम आगे और अच्छी मेहनत करेंगे और आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट देंगे सो जय हिंद जय भारत